बीजेपी की सरकार बनी तभी यह विकास का काम हुआ। अब यहां के यहां बुढ़े बुजुर्ग लोग होंगे जो बैठे हुए आज से 30 साल पीछे मुड़ करके देख दिया, अपने गांव की ओर आने जाने का सड़कें नहीं थी, नदी नालों में पुल पुलिया नहीं था, सरकार किस थी देश में और प्रदेशों में, कांग्रेस के थे या फिर बाकी लोगों के, राष्ट्रीय जनता दल के या कहीं समाजवादी पार्टी के रहे होंगे यूपी में, तो यहां राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन घर पर आने जाने की कोई सड़कें नहीं थी। मैं लोगों को कहता हूं पहले आप याद करिए, मेला हम लोग घूमने जाते थे, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, गांव में शादी दिया होता था वहां भी हम लोग पैदल बरात जाते थे, थोड़ा संभ्रम लोग होते थे तो बैलगाड़ी में लोग जाते थे, यही था ना। लेकिन जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले 6 साल की सरकार बनी और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो अभी थोड़े 9 साल की सरकार है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि अब झारखंड के गांवों तक अब सड़क पहुंच गई, अब कोई बारात पैदल नहीं जाते, बिना हाथ पैदल नहीं जाते, आपके सबके सब लोग गाड़ियां से आप लोग जाते हैं, गाड़ी सब जगह उपलब्ध है, टेम्पो उपलब्ध है कि नहीं बताइए। पहले गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, होता कैसे बिजली है, गांव के लोगों को लगता था कि शहर वाले ही बिजली देख पाएंगे, गांव में तो बेचारा मुश्किल से लालटेन जलाते थे, किरासन तेल के लिए झगड़ा होता था कि नहीं, एमएलए साहब को पकड़ता था कि हमारे हाथ में किरासन तेल नहीं बिक रहा है, हमारे डीलर उसको बेच रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने क्या कि आप किरासन तेल की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है, होती है क्या बताओ। अब ये लालटेन जो समाप्त कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसीलिए मैं सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अब देखिए बीजेपी की सरकार ने गांव तक सड़कें पहुंचा दी, घरों तक बिजली पहुंचा दी, नदी नाला में पुल पुलिया बना दी, तो ये विकास का काम, सबको ये समान अवसर उपलब्ध हो, ये किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। और आजकल देखते हैं हमारे सब लोगों के पास मोबाइल है, हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, जाते हैं तो सेल्फी लोग लेने लगते हैं। अब हम याद करते हैं उस समय को, याद करिए आज से 15-20 साल पहले याद करिए, पलामू के लोग बहुत बाहर में काम करते हैं, पतिदेव वहां से टेलीफोन करते थे, बात करते थे तो थोड़ा देर में पत्नी को बोलते थे अब इतनी ही बात करो नहीं तो पैसा बहुत कट जाएगा, होता था कि नहीं बताइए, हमारी मां बहनों को बढ़िया से बताता था कि अब पैसा कट जाएगा इसलिए थोड़ा ही बात करो, अब क्या हो गया उल्टा हो गया, आपको 200-250 रुपये में जितना बात करना हो बात करो, आपको कहता है पतिदेव जी इतना ही बात करो, कल सवेरे ड्यूटी पर जाना है, हमको सोना है और हाथी सोइए, कल जल्दी उठ करके काम करिएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगी। तो अगर ये किसी ने सस्ता कर दिया है, गरीबों को तक यहां पहुंचा दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। बताइए जो गरीबों की चिंता करते हैं, हमारी गरीब भी वो सारी चीज, जो मैं लोगों को कहता हूं दिल्ली में जो आप बिजली चकमक देखते हैं आप वो गांव में भी है, ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप बीजेपी की सरकार फिर से आएगी झारखंड में वो गड़बड़ नहीं होगा। और इसलिए मैं अगर सब लोगों से यही कहने के लिए आ रहा हूं, जितनी भी आप विकास का काम देख रहे हो बीजेपी की सरकार ने की, और हेमंत सोरेन तो विकास क्या करेंगे, इनके राज्य में विकास तो कोई दूर दूर तक नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही करने के लिए, आज क्या हो रहा है इस राज्य में, सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन झारखंड में आए दिन चोरी डकैती हत्या अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, झारखंड सरकार की गृह विभाग का ये रिपोर्ट है, आप देख लो उसको भी निकाल करके देख सकते हो, प्रत्येक दिन औसत 5 लोगों की यहां हत्या होती है। पिछले दिनों 24 तारीख को एक समाचार पत्र में छापा कि व्यवसायियों की हत्या हुई है 5-6 महीनों में 24 लोगों, 23 व्यवसायियों की, लेकिन क्या हुआ उन 23 में से 9 लोगों ने पुलिस को सरकार को सूचनाएं दी थी कि हमें जान माल की खतरा है, हम
हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा की जाए। लेकिन उन्होंने किसी ने भी कोई शुद्धि नहीं की। अगर पुलिस तत्पर होती, उनकी सुरक्षा कह होते तो शायद उन छह लोगों की जाने कट जाती। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और उनकी हत्या हो गई। मैंने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि अगर इन लोगों ने सूचना देने के बाद भी उनकी हत्या हो गई तो ये जिम्मेवारी फिक्स होना चाहिए, इनके लापरवाही से हुई है। अब सीबीआई से तो जांच कराने में आप डरते हो, एसआईटी गठित करके जांच कराओ। जिस भी स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों ने गड़बड़ किया है, अगर दोषी जो पाए जाएंगे उनको सजा दीजिए, तभी ये कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। अगर आज आपने ये नहीं किया तो जिस दिन भी इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पूरे मामले को जांच करा देंगे और जो भी अफसर उसमें से लापरवाही करते होंगे उनको सजा मिलेगी। यही कहने के लिए मैं आया हूं। लोग पूछते हैं, हमने कुछ मित्रों से कहा यार पता करो, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, अपराधी खौफ खाते थे, यहां से भागे फिरते थे, लेकिन आप क्या हो गया, पुलिस वही है। लेकिन आप जनता डरी हुई है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, मामला कहां गड़बड़ है। तो दोस्तों ने कहा कि सर अब थोड़ा बदल गया, हेमंत ने पुलिस को दूसरा काम में लगा दिया। हमने पूछा ये कौन सा काम में लगा दिया, तो बताया लोगों ने कि आप पुलिस वाले सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, ट्रैक्टर को देखते हैं, बालू लेकर के तो कोई नहीं जा रहा है। हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं तो बता देना कि नहीं सर यहां एकदम बिल्कुल नगर उतारे में बिल्कुल सब ठीक ठाक है। क्योंकि बंसीधर की नगर है तो शायद थोड़ा ठीक ठाक भी हो सकता है, नहीं ना? तो आज वो सड़क के किनारे में खड़े रहते, एवं सोरेन ने लगाया कर बालू के ट्रैक्टर गिनो और उसमें से पकड़ करके आप उसको हरा हरा नोट लीजिए या तो फिर आप कोर्ट से बेल करा लीजिए। यही तो हालत है इस राज्य की। ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन जी से हम लोगों ने विधानसभा में कई एक बार कहा, भाई नदी नाला की बालू को या तो आप नीलामी करा दीजिए या गांव को सौंप दीजिए, ताकि आपको उससे भी टैक्स आएगा, और नहीं तो झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम हो उसमें से आप पद पकड़िए, उसको फ्री कर दीजिए। और जो झारखंड से बाहर की ओर लोग तस्करी करते हैं, बाहर के राज्यों के ओर लोग ले जाते हैं इलीगल तरीके से, आप बॉर्डर पर चेक नका लगा दीजिए, आपके पास सिपाही कम पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको साथ देंगे। लेकिन वो करता नहीं। आप लोग जानते हैं ना बालू की चोरी कब से प्रारंभ हुई। हम जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बालू को हम लोगों ने फ्री कर दिया था, कोई किसी को तकलीफ नहीं होता था, कहीं पुलिस वाले नहीं पकड़ते थे, सब फ्री था। और ये कब तक फ्री था? 2013 तक। 2013 में जब हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते थे, अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने हटा दिया समर्थन विड्रॉ करके, और हेमंत सोरेन जी कांग्रेस के सहयोग से इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद तो दिल्ली और मुंबई से बालू के चोरों को भी लेकर के आए। और नदी नाला का बालू उसी समय से लूटना प्रारंभ हुआ, गांव के लोग आज परेशान हो गए। ये हालत है इस प्रदेश की। दूसरी समस्या है भ्रष्टाचार की। आज सरकारी दफ्तरों में कोई भी छोटा छोटा काम, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहां तक क्यों व्यक्ति मर जाए मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो पैसा लगता है। तुमने कहा कि भाई अफसरों को तो लाख रुपया वेतन मिलता है, क्यों गड़बड़ करते हैं? बोलते हैं कि सर जैसे आप मोबाइल हम लोग जो रिचार्ज करते हैं ना महीना में, दो महीना में, वैसे ही अफसर लोग भी मोबाइल को लोग रिचार्ज करते हैं, पैसे वैसे ही रिचार्ज करके लोग आते। तो ये हालत है झारखंड की। और आज तो राज्य के मुख्यमंत्री खुद कहते हुए कहते क्या है, क्या हेमंत सोरेन है, शिव सोरेन के बेटा है, जेल से डरते नहीं है। उनको लोग लिखते क्या थे कि हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो भागे थे भाई,
कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, नोटिस पर नोटिस चल रहा है, तो हाजिर नहीं हो रहे, करेंगे हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो। भाई अगर आपने गड़बड़ में ही किया है तो डर काहे को, चले जाना डॉक्टर, बता देना कि हमारे पास क्या दौलत है क्या नहीं है। लेकिन इन्होंने नामी बेनामी संपत्ति को इन्होंने अर्जित किया है, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, किसान मजदूरों की चिंता करते, वो कैसे तरक्की करे, कैसे प्रगति करे और भूख से कैसे बचे उसकी चिंता करते हैं, और दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री दलाल और बिचौलियों को बचाने में लगी हुई है और भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगी हुई, और उसके लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों करोड़ का खर्च करके वकीलों को लाते हैं, झारखंड कैसे बचेगा? और इसलिए उनको कोई विकास की चिंता नहीं है। अभी आपको भानु जी बता रहे थे, मैं आपको जरूर यह विश्वास दिलाता हूं कि भागलपुर का इन्होंने अभी बताया, क्या कहते हैं, दो खदान का नाम लिए थे हमसे, तुलसी दामर हमसे कई एक बार रांची में भी इन्होंने कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रयास करके, चाहे जैसे भी हो, इस प्रदेश में जहां पर इतनी सारी जमीनें हैं, तो काम जरूर होगा। मैं इतना आपको विश्वास दिला। इन्होंने सिंचाई की भी किया, उस समय केसरी चाचा भी, आपके केसरी जी भी बहुत चिंतित रहते थे, हमें याद है। लेकिन आप समझ सकते हो, दो साल तो कितना झंझावत में ही हम सब लोगों ने बिताए और कसक रह गया है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और अनुमंडल बाकी सारी चीजों की इन्होंने मांग रखी है, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, इन्होंने जिन मांगों को रखा है तो ये आपका है और आपकी मांग है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, विचार ही नहीं बल्कि उसको काट रोक के हम लोग परिणाम भी करेंगे समय आने पर। तभी मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज आप जब यहां से जाए तो अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए संकल्प लेकर के जाना, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाना है ये संकल्प लेकर के यहां से जाना, और झारखंड से दलाल और बिचौलियों से मुक्त करना है यही संकल्प लेकर के यहां से जाना। और एक बात और मैं कहूंगा, जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने बहुत खाया था वहां से भी नरेंद्र मोदी जी अब उसको निकाल रहे, इन 9 वर्षों में देश में जो लोगों ने खा करके घर में रखा था, 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति को उन्होंने निकाला है, जब्त किया है, और इसीलिए आज जो परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वाले झारखंड में भी उन्हीं लोगों की सरकार है, और वो लोग एकजुट होकर के चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, यही विनती कर रहा हूं, अगर जो देश को लूटने वाले लोग अगर एक हो सकते हैं, तो देश के लिए काम करने वाला, देश को बचाने वाला, गरीबों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से हम सब लोग प्रधानमंत्री बनावे, यही संकल्प लेकर के यहां से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।